असम में बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर के ग्रामीण अंचलों में कई दिनों से लगातार बारिश से किसानों की रबी की फसल बर्बाद कर दी। तहसील मऊरानीपुर के ग्राम रोरा ग्राम भटपुरा मौजा में किसानों के चना मटर मसूर की फसलों में पानी भरने से फसल बर्बाद हो गई। आज रात्रि तेज बारिश होने से दो गांव के लगभग 250 एकड़ जमीन जिनमें रबी फसल बोई गई थी पानी भरने से खराब हो गई। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का क्षेत्र कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा और सरकार की गलत नीतियों का शिकार रहा। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा के चलते यहाँ के किसान अपने फसलों की अच्छी उपज नहीं कर पा रहे। उपज न होने से किसानों का कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज चुकाने का दबाव है। किसान कर्ज न चुका पाने की स्थिति में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी। गेहूं की फसल में फायदा है, लेकिन चना मटर राई मसूर आदि फसलों को नुकसान है। आज रात्रि तेज बारिश व हवा तेज होने से सुबह किसान जब खेतों में पहुंचे तो उनके खेतों में पानी भरा और किसान अपने सामने हाथ तोड़ मेहनत खाद की मारामारी खेती की लागत लगाने के बाद आज अपना माथा पीट रहे हैं। फसल बर्बादी की सूचना ग्रामीण किसानों ने जब उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह परिहार को दी तो परिहार तत्काल गांव की ओर रुख करते हुए किसानों के खेतों में पहुंचे, उनकी पीड़ा को सुने, किसानों के खेतों में जाकर फसलों को देखा जहां पर पानी भरा हुआ था और किसानों को ढांढस बंधाते हुए तत्काल मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को फोन के माध्यम से स्थिति को अवगत कराते हुए मदद की बात कही। रामबाल प्रजापति की रिपोर्ट। भाई साहब आपका क्या नाम है? कौन से गाँव से आप? क्या समस्या हो गई है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ तीन चार दिन से अतिवृष्टि हुई है। दो दिन तो करीब 36 घंटे रुक रुक के बारिश हुई, लेकिन जो आज रात में अतिवृष्टि हुई उससे खेतों में इस तरीके की कंडीशन है कि फसलें डूब चुकी हैं। मटर मसूर चना बिल्कुल खत्म है, मटर बिच गई है, 100% नुकसान की स्थिति है, कुछ बचने वाला नहीं है। का ग्राम रोरा भटपुरा का मौजा है। आज हमारे साथ 8-10 किसान हैं, इनकी आज फसलें जो है बारिश 3-4 दिन से लगातार हो रही है, लेकिन रात को अधिक बारिश होने से और थोड़ा बहुत ओलावृष्टि होने से यहाँ इनकी फसलें जो है पानी में डूब गई हैं और इन किसानों का कहना है कि ये फसलें अब नष्ट हो जाएंगी, जैसे 2-3 दिन बीतेगा तो ये सारी फसलें पीली पड़ जाएंगी। आंधी भी चली है रात में तो मटर भी खेतों में बिछ गई है, तो कहीं ना कहीं किसान बड़ी मेहनत से हाल तोड़